आज बनाने वाली हूँ सीख कबाब। तो सीख कबाब बनाने के लिए मैंने 600 ग्राम महीन कीमा लिया, उसे मैंने मिक्सी जार में थोड़ा और बारीक कर लिया ताकि अच्छे से हमारे कबाब टूटे नहीं। और इसकी बाइंडिंग के लिए मुझे क्या क्या डालना है? अच्छा, बाइंडिंग के लिए क्या करें कि जो है सूखे ड्राई स्पाइसेस ज़्यादा डालें, और अगर आपके पास गीले हैं तो आप उसे जो है पानी निचोड़ के डालें। तो मैंने क्या करना है, इसमें हाफ टी स्पून के करीब भुना धनिया डाला है, और हाफ टी स्पून के करीब मैंने काली मिर्च पाउडर डाला है, और हाफ टी स्पून मैंने जो है गरम मसाला डाला है, और हाफ टी स्पून मैं डालूँगी रेड चिली पाउडर, और वाइट सॉल्ट डालूँगी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और साथ ही मैं डालूँगी अदरक का पेस्ट, इसका पानी बिल्कुल भी हमें खुश्क कर लेना है, और लहसुन भी अगर पाउडर हो, ड्राई वे वाले हो जाए ना, पाउडर होते बिकते वो डाल सकते हैं, वरना पानी निचोड़ दीजिए, कोई मसला नहीं है। आप इसमें हम शामिल करेंगे, अच्छी बाइंडिंग के लिए हमें इसमें शामिल करना है बेसन। बेसन हम जो है इतना डालेंगे कि हमारे कबाब जो हैं थोड़े से बाइंड हो जाएं, और इसी के साथ इसमें एक अदद अंडा शामिल करेंगे। अंडा पहले से अलग फोड़ लें ताकि ख़राब हो तो आपका कीमा ना ख़राब हो। और इसमें ऑयल डालेंगे, ऑयल घी कुछ भी डाल सकते हैं, मैं मस्टर्ड ऑयल 2 टीस्पून के करीब डाल रही हूँ। इससे क्या होगा ना, कबाब बहुत जूसी और बहुत टेस्टी बनेंगे। तो अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, हाथों से मिक्स करा है क्योंकि जो है स्पैचुला वगैरह से अच्छे से मिक्स नहीं होता है। अगर आपका कीमा थोड़ा गीला हो तो थोड़ा बेसन इसमें और शामिल कर सकती हैं। तो अंडा मिलाया है, उसकी वजह से हमारे कबाब अच्छे टूटेंगे नहीं। और मैंने क्या करना है, ये देखिए मैंने लिए चावल निकालने वाली, इसे कवगीर बोलते हैं, इसे कलछी बोलते हैं, इस तरह से ये है, तांबे की है, तो इस तरह नोके इस तरह से इसको बना सकते हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है, इसे पानी हाथ पे लगाना है, और जितना बड़ा भी आपको कबाब बनाना हो उस हिसाब से तैयार करें। तो पहले क्या करना है, इस तरह से हमें इस शेप में बना लेना है, गोल भी कर सकते हैं। तो ये लीजिए हमारी सीख तैयार है, रेडीमेड, बहुत आसानी से बन जाते हैं। और इस तरह से आप पेंसिल से भी बना सकते हैं, जो भी आपके पास घर में हो, क्योंकि हमें बेचने वाले तो हैं नहीं, तो जिस तरह से भी आप बनाना चाहें आसानी से। इसको धीरे धीरे इसमें हाथों में पानी लगाते जाएँ और इसको बढ़ाते जाएँ, जितना बड़ा साइज़ आपको करना हो इस तरह से कर लीजिए। तो इस तरह से ये देखिए धीरे से बहुत आसानी से ये देखिए पूरा होल हो गया है। इसी तरह से हमें सारे कबाब तैयार कर लेना है। तो कबाब हमें जितने तैयार करने थे, मैंने 5 कबाब तैयार कर लिए, बाकी कीमा मैंने स्टोर कर लेना, ये हफ्तों ख़राब नहीं होना है, फ्रीज़र में आप डाल दीजिए, जब मर्ज़ी हो गर्मा गर्म आप सीख कबाब तैयार करें। तवे पे ऑयल डालकर हम इसे सारे कबाबों को इसमें बिछा देना, थोड़ा ऑयल जो है हमारा थोड़ा ज़्यादा रहेगा, आप चाहें तो बहुत हल्के तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। और इसको मैंने धीमा करके इसको कवर करके रख देना ताकि अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए। तो 2 मिनट के बाद मैंने कवर हटा दिया, इसको ढक्कन हटाने के बाद देखिए इसको अलट पलट दिया, इसका कलर अच्छा आ गया है। और इसको थोड़ी देर अभी हम अलट पलट करके जिधर से नहीं है ना, मैं सेक लेती हूँ इस तरह से घुमा घुमा के, सब तरफ से अच्छे से हमें सेक लेना है। तो कबाब हमारे अच्छे से सब तरफ से सिक गए हैं, अब गैस की फ्लेम बंद करते हैं थोड़ा। तो लीजिए कुछ ही मिनटों में हमारे सीख कबाब बनकर तैयार, इसे आप जिस साइज़ का बनाना चाहें छोटा बड़ा तैयार कर सकते हैं। और ये बहुत टेस्टी होती है, बनाने का तरीका भी बहुत आसान है, कभी भी आप फेल नहीं होंगे, कभी भी टूटेंगे नहीं कबाब अगर आप इस मेथड से बनाते हैं। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और देखने के लिए लास्ट तक वीडियो। थैंक यू।